कहीं मत लेना मेरे को, वो तुम जानते हो, सारे जानते हो चटकन वाले जितने भी हो। चार लोग देखने लग गए, चौनी तुम बहुत बड़े हीरो बन गए क्या? ऐसे एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, फेमस यूट्यूबर मनोज दे, ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट किया था मनोज दे ने, और उसी इवेंट में बहुत सारा मारपीट हो गया और बहुत ज़्यादा लोग प्रॉब्लम में आ गए। तो इसी को लेके महात्मा जी टेक्निकल ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है और चवन्नी छाप लड़का बता दिया है, चवन्नी छाप बता दिया है। चलिए उनका वीडियो को मैं उनका बयान को पूरा आपको आपके सामने में दिखाता हूँ, तो उनका बयान पूरा देख लीजिए। चार लोग देखने लग गए, चौनी तुम बहुत बड़े हीरो बन गए क्या? दिस इज द गेम, इवेंट्स करना आसान है लेकिन उसे ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल है। तो कभी भी भूल के ताओ में आके उठ के कुछ भी मत कर देना कि टिकट ले लो, ये ले लो, फैन जोन वाले क्या है? फैन जोन कौन है वे? कौन वे फैन वे? सारे फॉलोअर्स होते हैं, फैन वैन कोई नहीं होता। हम जैसे हो गए, हम क्या, हमने क्या उखाड़ लिया? हमें एक्टिंग जीरो नहीं आती, हम पढ़ाने वाले बंदे हैं, सिखाने वाले बंदे हैं, हमारे कोई फैन नहीं। पहली बात तो फैन वैन वर्ड यूज करना बंद कर दो आज से, और बिल्कुल भी हल्के मत लेना मेरे को, वो तुम जानते हो, सारे जानते हो चटकन वाले जितने भी हो, क्योंकि मैं अच्छों के साथ बहुत अच्छा हूँ, आई हेल्प लॉट्स ऑफ क्रिएटर्स, लेकिन मैं व्यूअर्स का वो नहीं देखूंगा यार। थप्पड़ मार दूंगा यार उस बंदे की, क्या ब्रांड वैल्यू गिर गई यार, वो यूट्यूबर है। अगर वो आने वाले टाइम पे, वो लड़का आने वाले टाइम पे बड़ा क्रिएटर बनेगा, लोग उसको चलाएंगे कि फलां के बने, तो थप्पड़ मारा क्या बाउंसर से? क्या बोल रहे हो यार तुम, उसकी इज्जत की क्या धज्जी उड़ा दी तुमने यार? हमें क्या, हाथ जोड़ा सॉरी मांग लिया, खत्म बात। पहले तो क्या हो तुम, उसका सम्मान करो। बड़ी बड़ी बातें मत बोलो यार मनोज, कि ये कर देंगे यूट्यूब से बड़ा, मैंने देखा यार तुम्हारे इवेंट में, तुम फ्री कर देते ना, और वो चाय की थैली वेली हटवा के और नॉर्मल एक स्टेज पे चार क्रिएटर को बुला के और जस्ट टॉक करा लेते ना, लोग तुम्हें कहते वाह क्या नहीं किया मेरे इवेंट्स के लिए, तुम्हें लोग बोल रहे थे कि यार उसको क्यों नहीं बुलाया उसको, मेरे को लगा, मैंने तो फोन भी किया था कि यार अभी ना भीड़ हम कम चाहते हैं, दैट्स व्हाई मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने तो फोन भी किया था, लोग कमेंट्स कर रहे थे, मैं एक लाइक वीडियो बना सकता था कि मैंने मनोज को क्यों नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें ही मैसेज कर दिया कि यार इस वजह से नहीं बुलाया, ये फला फला रीजन है, ऐसा कुछ नहीं कि तुम अपने, तुम्हें पता है कि मैं लाइक बैंगलोर बुलाया यार तुम्हें यार। इस लड़ाई में आप बोलोगे कि यार सारे जो लोग आए थे उन्होंने तोड़ दी सारी कुर्सी, तुम थप्पड़ मार रहे हो यार, उस बंदे ने आपको पैसा दिया यार, अब पांव छू लिए बात खत्म हो गई, उस पांव छूने से जगह आप घर बैठ के मैनेजमेंट पे काम करते, चटकन गाने की बजाय आप बैठ के टीम को सिखाते कि इन्होंने पैसे दिए, सम्मान कर यार। इतना आप कमाते हो महीने का 10-15-20 लाख रुपए, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां और सारी चीजें, आप उसमें से 3 लाख रुपए खर्च कर देते अपने एंड से कि भाई क्रिएटर को फ्री में चाय पिलाओ। मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि शायद तुम इनकी वीडियो देखो ना देखो, मेरी वीडियो जरूर देख लोगे जितने भी क्रिएटर्स हो, तो ये तुम्हारे लिए ज्ञान की वीडियोस है। और रही बात कुछ चटकन लोग बोल गया कि बोल तुम्हारे जो बिल्कुल दूध चटकन है बोल देंगे पॉपुलैरिटी के लिए, अब है गाइस ये कैसा लगा बयान, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा, कैसा इवेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और जो इवेंट किए थे उसका अरेंजमेंट था वो गलत था, उसके उस तरीके से अरेंजमेंट नहीं होता है। अरेंजमेंट करने के लिए आपको प्रॉपर एक प्लानिंग होता है, प्लानिंग करके किया करो, और किसी को देख के अच्छा काम करना चाहिए, जरूरी अच्छा बात है, लेकिन किसी को देख के उससे भी अच्छा करना चाहिए, ना कि उससे गलत करना चाहिए, और ये जो किया बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बता दो, और चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।